टीवी, फिल्म और थिएटर का एक जाना माना चेहरा है एक्टर परेश गणात्रा। उनके लाजवाब हास्य किरदार और उनकी परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर देती है। आज ये बेहतरीन कलाकार अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके इस खास दिन पर हम लाए हैं उनके फैंस के लिए उनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। 2010 में कॉमेडी शो कॉमेडी सर्कस महासंग्राम से कॉमेडी की दुनिया में डेब्यू करने वाले परेश गणात्रा के बारे में कुछ ही लोग ये जानते हैं कि परेश कभी फाइनेंस कंपनी में नौकरी भी किया करते थे। जी हाँ, परेश 1998 से लेकर 2006 तक आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड में नौकरी करते थे। छोटे पर्दे पर अपनी कई किरदारों से सबको हंसाने वाले परेश का हुनर उनके बड़े पर्दे तक जाने की सीढ़ी बना। आमिर खान और मनीषा कोइराला की फिल्म मन से परेश ने बॉलीवुड में कदम रखा, जिसके बाद वो नो एंट्री और राउडी राठौर जैसी फिल्मों में भी नजर आए। क्या आप जानते हैं कि लोकप्रिय हास्य भूमिकाएं और बड़ी फिल्मों में एक्टिंग कर चुके परेश ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं जिससे उन्हें शोहरत तो नहीं लेकिन अपनी आर्ट को धार देने का मौका मिला। झला और शेल्टर स्केल्टर जैसी छोटी फिल्में उनके कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं। दरअसल उन्हें शोहरत तो टीवी धारावाहिक एक महल हो सपनों का और बा बहू और बेबी या चिड़ियाघर जैसे सुपरहिट कॉमेडी शो से मिली थी। अगर परेश के अब तक के किए काम में सबसे सफल किरदार की बात की जाए तो वो चिड़ियाघर सीरियल में घोटक नारायण का रोल होगा, लेकिन अगर उनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो स्कैम 1992 है। जी हाँ, सफल हास्य कलाकार परेश मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज स्कैम 1992 में नजर आए थे। परेश ने हर्षद मेहता सीरीज में महेश्वरी का किरदार निभाया था। परेश के परफॉर्मेंस की काफी सराहना हुई थी, उन्हें दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। बताते चले कि परेश गणात्रा कॉमेडी शोज और मूवीज करने के अलावा कई विज्ञापनों का हिस्सा भी रहे हैं। टाटा फोन, डाबर, सिम्फनी कूलर, LG टीवी, कॉफी बाइट, नैरोलैक, मैकडोनल्ड्स जैसे सुपरहिट एड्स में आप परेश को देख चुके हैं। उम्मीद है कि एक्टर परेश गणात्रा से जुड़ी ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। भारत की ऐसी ही हस्तियों के बारे में ऐसी ही जानकारी पाने के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।